देखो सेकंड रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, मतलब जो भी सेंटेंस जो हमारी आवश्यकता को इंडिकेट करता है, व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, मुझे पढ़ना है, जाना है, खेलना है, सोना है, जो भी काम करना है, ठीक है, आई हैव टू गो, आई हैव टू रीड, आई हैव टू लर्न, आई हैव टू कुक द फूड, ठीक है। और किसी भी सेंटेंस का मैंने बताया था कि इसके तीन एक्शन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना था, आई हैड टू रीड, और मुझे पढ़ना होगा, आई हैव टू रीड, ठीक है। आज से हम एक नया रूल करेंगे, यूज ऑफ अबाउट और लाइकली टू, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग टू बी कंप्लीटेड इन वेरी नियर फ्यूचर, कोई भी काम अगर निकट भविष्य में होने वाला है, वर्क मस्ट बी देयर, काम होने वाला है, ठीक है। जैसे एक मेहमान आने वाले हैं, बारिश होने वाली है, ठीक है, वे जाने वाले हैं, ट्रेन छूटने वाली है, ये सभी सेंटेंस में कोई काम होने वाला है ना, ठीक है। तो जहां भी हम ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि कोई काम होने वाला है अभी निकट भविष्य में, वहां हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अबाउट या लाइकली, दोनों में से कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आई एम लाइकली टू गो और आई एम अबाउट टू गो, बोथ आर सेम, ठीक है। पहचान क्या है, वाक्य के अंत में क्या आएगा, वाला है, वाली है और वाले हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था कल भी पिछली क्लास में कि किसी भी सेंटेंस को हम चार डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, सिंपल, वे जाने वाले हैं, नेगेटिव, वे नहीं जाने वाले, इंटरोगेटिव, वेयर आई एम आस्किंग द क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन वेयर आंसर रिक्वायर्स ओनली येस और नो। अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्लास ज्वाइन करने वाले हो, आप लोग बोलोगे यस, जिसको नहीं करना वो बोलेगा नो, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसकी जगह पूछ लूं कि आप क्या करने वाले हो, तो उसका आंसर यस और नो में तो नहीं मिलेगा ना। तो वेयर द क्वेश्चन आंसर रिप्लाइज ओनली इन यस और नो, वी यूज देयर सिंपल इंटरोगेशन, हेल्पिंग वर्ब ही स्टार्टिंग में आ जाता है। जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, हैज टू, हैव टू वाले में हैज है पहले लगा दिया था, नेगेटिव इंटरोगेटिव में डोंट और डजंट पहले लगा दिया था हमने, ठीक है। इसमें सिंपल का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इज ए मान प्लस अबाउट और लाइकली टू एंड आफ्टर टू, इन 90% केस वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, क्लियर। इन केस ऑफ नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज ए मार्क प्लस नॉट अबाउट या लाइकली टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव, क्या वे जाने वाले हैं, क्या वर्षा होने वाली है, क्या मेहमान आने वाले हैं, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आया उसको स्टार्टिंग में, क्योंकि इसका आंसर यस और नो में ही तो मिलेगा ना। अगर मैं पूछूं क्या मेहमान आने वाले, तो हाँ या नहीं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ले लिया, देन सब्जेक्ट, देन अबाउट और लाइकली टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जहां हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और खुद ही रिप्लाई भी दे रहे हैं, क्या वो जाने वाले नहीं है, क्या वर्षा होने वाली नहीं है, ठीक है, क्या मेहमान आने वाले नहीं है, तो इज ए मार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अबाउट यू लाइकली टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड, सब्जेक्ट द वर्ड ऑन विच द होल सेंटेंस इज डिपेंडिंग ऑन, वो वर्ड जिस पे पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है, एक वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, काम जिसको करना है, दैट इज सब्जेक्ट, ठीक
हेल्पिंग वर्ब का मैंने मतलब बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जस्ट इंडिकेट्स टुवर्ड्स द टाइम एंड एक्शन ऑफ द सेंटेंस। हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, ये हमें पता चलता है हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे हम लोग तो हिंदी में पता लगा देते हैं कि अगर लास्ट में है आया तो प्रेजेंट है, अगर था आया तो पास्ट, और गागे की आया तो फ्यूचर। बट इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज ना, उस लैंग्वेज में अकॉर्डिंग जो भी है हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही, अगर हमने यहाँ पे आई एम अबाउट टू की जगह मैंने लिख दिया आई वॉज अबाउट टू गो, तो इस दिमाग का पास्ट क्या हो गया, पास्ट वर्ब, वो पास्ट हो जाएगा। आई एम अबाउट टू गो अगर विल का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो फ्यूचर हो जाएगा। तो टेंस चेंज करने के लिए मुझे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब इज जस्ट टू नो अबाउट द टाइम एंड एक्शन ऑफ द सेंटेंस, समझ में आ गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या होता है, वर्ब इज द वर्ब, ठीक है। इसकी फिलहाल आप लोगों को थ्री फॉर्म्स पढ़नी है, वैसे सिक्स फॉर्म्स होती है लेकिन थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पढ़नी है, और टू के बाद इन 99% केस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। वर्ब हिंदी में जितने भी वर्ब होंगे दुनिया में सबके लास्ट में ना का इस्तेमाल होता है, जाना, खाना, सोना, पढ़ना, हंसना, खेलना, कूदना, ठीक है, सबके अंत में क्या आएगा, वर्ब, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे टू के बाद, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट इज द आंसर ऑफ आवर WH फैमिली मेंबर, ठीक है। वे कहाँ जाने वाले हैं, घर जाने वाले हैं, तुम क्या सीखने वाले हो, इंग्लिश सीखने वाले हो, तो कहाँ, वेयर, वेयर का आंसर क्या है, घर। तुम क्या सीखने वाले हो, इंग्लिश, क्या, व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, ठीक है, इंग्लिश वो ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया। अब इस कहां पे आएगा, एम कहां पे आएगा, आर कहां पे आएगा, इस आएगा, ही, शी, इट, दिस, और सिंगुलर नाउन, इन सब के साथ क्या आएगा, इज, ही इज अबाउट टू गो, शी इज अबाउट टू गो, इट इज अबाउट टू बी डन, या इट इज अबाउट टू रेन, दिस बॉय इज अबाउट टू लर्न इंग्लिश, और सिंगुलर नाउन एक, श्याम इज अबाउट टू डू दिस वर्क, ठीक है। एम सिर्फ आई के साथ, आई एम या एम आई, आर यू वी यू दे और प्लूरल नाउन, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, वह अंग्रेजी बोलने वाला है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही के साथ क्या आएगा, इज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलने वाला नहीं है, ही इज नॉट अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोलने वाला है, इज ही अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, और क्या वो अंग्रेजी बोलने वाला नहीं है, तो क्या आ जाएगा, इजंट ही अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, या इज ही नॉट अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, समझ में आ गया। इसी को जब हम पास्ट में चेंज करेंगे तो सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब ही चेंज कर देना है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, वाज या वर, और वाज कहाँ पे आएगा, ये हमने यूज किया ना, ही शी इट दिस सिंगुलर नाउन और आई, इन सब के साथ क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, दिस वाज, इट वाज अबाउट टू रेन, वर्षा होने वाली थी, ठीक है, आई के साथ भी वाज, आई वाज अबाउट टू डू दिस वर्क, ठीक है, और वी यू दे और प्लूरल नाउन, इन सब के साथ क्या आएगा, ठीक है। और वे जाने वाले होंगे, अगर उसी को फ्यूचर में कन्वर्ट करना है आपको आई वी यू दे ही शी इट सबके साथ मिल रहा, आई एम अबाउट टू डू दिस वर्क, ठीक है, आई एम अबाउट टू अटेम्प्ट फॉर कॉम्पिटिशन टेस्ट, ठीक है। कोई भी आप सेंटेंस बोलोगे अगर फ्यूचर का है तो यहाँ पे क्या यूज कर देंगे हम, विल यूज करेंगे, इज एम आई, समझ में आ गया। Gracias.